फिरोजाबाद से एसआरके कॉलेज है, वहाँ से जुड़ा हुआ मामला है जहाँ पर बुरके पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। क्या लगता है जिस तरह से पाबंदी लगाई गई, कितना सही मानते हैं? देखिए, ये फिरोज़ाबाद का जो मामला है एसआरके कॉलेज का, वो निश्चित तौर से विवादित है। और उसके लिए जो प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने जो उन पे नियम लागू कर दिया है कि बुर्का पहन के कोई महिला मतलब मुस्लिम लड़की कॉलेज में एंटर ही नहीं कर सकती है, वो मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल गैर ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि कोई धर्म विशेष को लेके आप उनकी मान्यता, उनके बिलीफ से या उनके रीजन, उनके धर्म की जो रीति रिवाज है उनको आप डिनाई करने को या अपने कॉलेज में आने के लिए उस सबको छोड़ के आने को नहीं कह सकते हैं। अब जैसे सिख लोग होते हैं, पगड़ी लगाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, तो आप हेलमेट पहनना अनिवार्य कर सकते हैं लेकिन उनकी पगड़ी उतरवाना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से मैं ये कहूँगी कि जैसे हिंदू महिलाएं हैं वो शादी के बाद भी कॉलेज जाती हैं, अब कल आप इनको कह दोगे कि भाई सिंदूर नहीं लगाओ, चूड़ी नहीं पहनो, तो ये कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, ये बात रही कि कॉलेज की सिक्योरिटी की, सेफ्टी की, कि नकाब में या बुरके में कोई अराजक तत्व ना घुसा है कॉलेज के प्रेमाइसिस के अंदर, तो उसके लिए आईडी आप दे सकते हो, आप सिक्योरिटी गार्ड को आईडी चेक करने को कह सकते हो। और जो महिला या जो लड़की है वो अपनी आईडी दिखा के बुरके में अंदर आ सकती है, इस तरह का कुछ प्रावधान कर सकते हो, या कोई महिला सुरक्षाकर्मी को, सिक्योरिटी गार्ड को कॉलेज के गेट पे लग सकते हो कि जो बुरका मतलब उनका हिजाब, उनका फेस देख के आईडी करके फिर उनको अंदर आने दे। आपको सिक्योरिटी के तो प्रावधान करने नहीं है, आप बस एक तुगला की फरमान निकाल देते हैं कि आपको कल बुरका नहीं पहन के आना है, कल आपको चूड़ी नहीं पहन के आना है, कल आपको पगड़ी नहीं पहन के आना है, तो इन सब का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए, कोई इंसान जब आता है या जिंदा रहता है वो अपने धर्म और अपने बिलीफ के साथ जीता है, तो उसको छीनने का किसी को अधिकार नहीं है।